अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर रिजवान। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर, हम लोग चैप्टर नंबर 9 में बायो टेक्नोलॉजी इसका नाम है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीएनए टेक्नोलॉजी समझाया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को उसके स्टेप्स फर्दर बताए थे। दो वर्जन्स मैंने कहा था मैं बताऊँगा, फिर वो मैंने बताया था आपको। एक ईजी वर्जन था, एक आपके कोर्स के या आपके सिलेबस के हिसाब से था। उसके बाद बेटा फिर मैंने आपको सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज SCID इन शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बबल बॉय डिजीज़ भी कहते हैं। उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है जी, तो आज की क्लास में बेटा इस चैप्टर को हमें वाइंड अप करना है इंशाल्लाह। कुछ MCQs की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आपको मैं। अच्छा, इस चैप्टर से ज़्यादा आता नहीं बेटा, मतलब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके MTS के लिए। वो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेटा। अच्छा, हंटिंगटन डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जीन थेरेपी है। ठीक है जी, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत सवाल आ जाते हैं कभी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है जी, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी और एमनियोसाइनोसिस, ये बामुश्किल कोई 5 से 6 टॉपिक्स बनते हैं इस चैप्टर से आते हैं। तो अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये आपको इसलिए भी पढ़ने में मज़ा आना चाहिए कि ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। अगर मैं जॉब के हवाले से देखूँ या अगर मैं पढ़ाई के हिसाब से देखूँ आपके इसमें आप जो आपकी जो फील्ड है बायो बायो की। ठीक है जी, अच्छा जी, तो बेटा सबसे पहले हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स में सॉरी हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। उसके बाद हम ट्यूटेंस डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एमनियोसाइनोसिस है, और उसके बाद फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं आपको MCQs की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक बेटा, ये ट्रांसजेनिक का मतलब जो है इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिनके जीन्स में मैनिपुलेशन या जिनकी जीन्स अल्टर की गई हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। अब वो क्या पर्पस होता है साइंटिस्ट का, बस जाहिर तो ये लगता है हमें जितना हमने स्टडी किया है कि उनका पर्पस से मतलब यही होता है। जैसे कोई पॉजिटिव पर्पस है कि अगर प्लांट्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी बनाए या ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसकी जो क्रॉप है, जो उसकी जो तादाद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है जी, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जैसे हर टेक्नोलॉजी उसके उसके इस्तेमाल करने के ऊपर होता है, साइंटिस्ट के इस्तेमाल करने के ऊपर होता है, उस इंडिविजुअल के इस्तेमाल करने के ऊपर होता है कि वो इधर उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव। जैसे बायो टेक्नोलॉजी में हम लोग क्लोनिंग देखते हैं, तो क्लोनिंग हमने देखा है कि बेटा इसमें आपके बहुत ज़्यादा सोशल इम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। ठीक है जी, आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा करूँ कि इतने ज़्यादा क्लोन इंसान हो जाएंगे, तो उसका भी एक नेगेटिव चीज़ है। तो बस इसको, इस चैप्टर को इस मतलब नियत के साथ, इस पर्पस के साथ समझिए आप कि इसका पॉजिटिव काम क्या है। ठीक है जी, जिसमें सच कोई सोशल इम्प्लिकेशन नहीं है, और ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो इंसान जो मतलब जो करंटली या फिर फ्यूचर के लिए डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, या कुछ एक बेहतर एक पर्पस के ज़रिए से हम लोग कोई एक कुछ बेहतर काम कर सके। अच्छा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बेटा क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है जी, अब ब्रीडिंग अप्रोच, मैं पहले फर्स्ट सेंटेंस का मतलब बता देता हूँ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स बेटा वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई भी होती है, जेनेटिक अल्टरेशन आप कह सकते हो। और ब्रीडिंग अप्रोच, ये एक ब्रीडिंग का अप्रोच है, ये ब्रीडिंग का एक ऐसा अप्रोच है विच यूजेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। आपको पता है बेटा, अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स क्या होती है। और ब्रीडिंग अप्रोच दैट यूजेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स टू क्रिएट प्लांट्स विद न्यू करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, तो इसका पर्पस भी वाजे हो गया। ये एक ऐसी ब्रीडिंग की अप्रोच है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्लांट्स बनाती है जिनमें नए नए करेक्टरिस्टिक्स हों। अच्छा जी, दे आर आइडेंटिफाइड एज अ क्लास ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें स्पेसिफिकली अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो उनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GMO भी कहते हैं।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और आप ये वर्ड बॉटी जोलॉजी को बोथ में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, प्लांट्स में इसमें ज़्यादा काम होता है क्योंकि आपको पता है बेटा प्लांट्स है, एग्रीकल्चर है, क्रॉप है, तो उसका मतलब फिर वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है बेटा? कुछ इसके शॉर्ट पॉइंट्स भी बनाए आपके कोर्स के हिसाब से, सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से मैंने, ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए बेटा। और ये अच्छे पॉइंट्स से बात बोर्ड की नहीं होती कि वेदर इट इज़ अ सिम बोर्ड, वेदर इट इज़ अ पंजाब बोर्ड, बस जो पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं जाहिर सी बात है वो तो टीचर का फ़र्ज़ ही बताना, आप लोगों का फ़र्ज़ है सुनना। अच्छा, पॉइंट नंबर वन क्या बेटा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, ठीक है जी, ये लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैं, दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट, ठीक है जी। पॉइंट नंबर थ्री क्या है? अच्छा, पॉइंट नंबर टू का सॉरी मैं सेकेंड लाइन भूल गया, दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट विच हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड इन टू दैम। आप लोग को पता है बेटा फॉरेन जीन का मतलब क्या है? ये लोग ऐसे फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वायरमेंट में रहते हैं जिनके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट हुई हुई, जब भी तो हम लोग इनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स कहते हैं। और प्लांट्स आर इजीली इंजीनियर्ड बिकॉज दे कैन ग्रो बाय टिश्यू कल्चर। ये बेटा आप लोगों ने सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर फोर और रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर बेटा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट कोई भी पेरेंट प्लांट का हम लोग कोई भी हम एक सेल लेते हैं, कोई भी एक टिश्यू लेते हैं, उसको हम लोग लैब में एक कल्चर मीडियम में इस तरह ग्रो करवाते हैं ताकि उससे जो हमने एक सेल जो लिया था उससे या जो एक टिश्यू लिया था उससे पूरा एक प्लांट ग्रो हो जाए, ठीक है जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है जी। तो ये जो टिश्यू कल्चर है ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमनेस्ट आजकल के दौर की एक टेक्निक चल चुकी है, तो इसी वजह से उन्होंने रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स आर इजीली इंजीनियर्ड बिकॉज दे कैन ग्रो बाय टिश्यू कल्चर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर फोर में बेटा प्लाज्मिड का जिक्र है। आपको याद होगा प्लाज्मिड में मैंने आपको क्या बताया था, प्लाज्मिड के बारे में याद करो, इट इज़ द स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। ये रिप्रोडक्शन में इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। और जो प्लाज्मिड होता है वो एक वेक्टर के तौर पे काम करता है। ये प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है। अगर मैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करूँ तो जब भी की पॉइंट आए या की वर्ड आए बेटा टी आई प्लाज्मिड, तो समझ जाना ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात हो रही है। हालांकि आप कह सकते हो कि यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड जो है वो कहीं भी कोई प्लांट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन ये की पॉइंट बताने के लिए आपको ये पॉइंट नंबर फोर ऐड किया मैंने। ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इनमें जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड इस्तेमाल होता है उस प्लाज्मिड का नाम है टाइप प्लाज्मिड। और ये टाइप प्लाज्मिड इसका जो बैक्टीरिया होता है यानी कि जो होस्ट होता है उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रो बैक्टीरियम। क्या नाम है बेटा? एग्रो बैक्टीरियम। अच्छा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के एम क्या है, पर्पज़ क्या है, उनके से क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं? पहला पॉइंट है बेटा उसमें लिखा हुआ है न्यूट्रिशियस प्लांट्स। अच्छा, आप एक बात को एक और चीज़ जहन में रख लो बेटा कि ये सब चीज़ें जो टेक्निक्स हैं ना वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, मैन मेड है, जिससे आप जो चाहो कर सकते हो। इंटरेस्ट में इससे एक साइंटिस्ट जो चाहता है वो कर सकता है, उसको न्यूट्रिशियस बनाना, उसकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, कोई भी काम आर्टिफिशियल। तो इंसान को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते वक्त थोड़ा सा इस तरह अपने आप को मतलब आप कह सकते हो कि रखना पड़ता है नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि नॉलेज तो इंसान के पास काफ़ी आ जाती है सब चीज़ें पढ़ के, तो अब उस पर बेस करता है चाहे मेल हो फीमेल हो कि अब वो इस फील्ड को किस तरह इस्तेमाल करता है। तो वही सारी बात है कि एम्स में इसके पहला पॉइंट लिखा हुआ है न्यूट्रिशियस प्लांट्स, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्लांट्स रिक्वायर लेस फर्टिलाइज़र। इसमें जो प्लांट्स होते हैं बेटा, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो बेसिकली इस्तेमाल ही इसलिए होते हैं ताकि वो जो प्लांट्स हैं जो अभी क्रॉप है जो कि अभी ग्रोइंग एक पूरी फसल है तो उसमें तादाद भी ज़्यादा हो जाए फसल की, और इसमें जो जो फसल को ख़राब करने वाले जो आप कह सकते हो कि जो क्रॉप के इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाए अकेले हो जाए। तो अब अगर आपने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना दिए हैं, अब अगर आपने फॉरेन जीन इंसर्ट करके इन प्लांट्स को न्यूट्रिशनस के साथ साथ आपने इनको डिजीज़ रेजिस्टेंस भी बना दिया, और आप इनकी तादाद भी क्लोनिंग के ज़रिए से, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बना के उसका ही क्लोन इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मुझे
मुझे चाहिए कोई 50 प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो मैं एक पे काम करूँगा, एक पे ही, एक ही फिर क्लोन होते होते वो जितनी भी कॉपीज़ बनाएगा उन सब में जेनेटिकली ऑल्ट्रेशन, सॉरी जेनेटिक ऑल्ट्रेशन हुई भी होगी, तो ये भी एक आसानी है इसमें। तो आपको तादाद भी ज़्यादा मिल रही है और काम भी आपका 10% है। पॉइंट नंबर सी क्या बेटा, रेजिस्टिंग पावर इंक्रीजेस। वही वाली बात जो भी मैंने आपको अर्ज करी, रेजिस्टिंग पावर इंक्रीजेस। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ, अच्छे कर देता हूँ उसको मैं जी। क्या लिखा बेटा इसमें, मैंने लिखा हुआ है रेजिस्टिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक सर शायद, हाँ रेजिस्टिंग पावर इंक्रीजेस डेवलप अंडर हार्श कंडीशंस, ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बेटा इसकी एग्जांपल। सोयाबीन है, कॉटन है, अल्फाफा है, टोमेटोज हैं, कॉटन इसमें हो गया, राइस है, मेज़ है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, कॉलीफ्लावर्स है, कैबेज है, एक्सेट्रा, काफ़ी एग्जाम्पल्स है। कॉटन इसमें 2 बार लिख दिया गलती से, इसको मैं ज़रा ऐसा कर देते हैं इसको, और इसकी जो ये जो फॉन्ट है हम लोग इसको भी ज़रा सही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, ठीक है जी। अच्छा क्या लिखा बेटा, प्लांट्स जेनेटिकली ऑल्टर्ड ह्यूमन हार्मोन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स एंटीबॉडीज। ये जो प्लांट्स है बेटा, ये जो जेनेटिक ऑल्ट्रेशन जिनमें होती है, आप सोच सकते हो इसमें ह्यूमन हार्मोन्स, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसमें एंटीबॉडीज, जो चाहे आप जिस सब्सटेंस की प्रोडक्शन चाहे कर सकते हैं। अभी जो एक पिक्चर आपको सामने मैंने दी हुई है, इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें बेटा, ठीक है जी, इस पिक्चर पे अगर आप फोकस करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यह नज़र आ रहा होगा एक बैक्टीरियम जिसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबरफेसियम, ठीक है जी। इसका आपको जेनेटिक मटेरियल भी लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट ये उसका प्लाज्मिड नज़र आ रहा है। फिर नीचे जो एरो करके जो इन्होंने जूम किया हुआ बेटा, वो लिखा हुआ है टाई प्लाज्मिड, और टाई प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, ठीक है जी। अब टाई प्लाज्मिड पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो मैंने बात करी थी जिसको फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन भी कहते हैं, वो इंसर्ट करी। वो किस तरह करी वो आपको पता है बेटा, कि हमने रिस्ट्रिक्शन साइट्स यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम लोगों ने, मैंने नाम बताया था बेटा आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमने इसके ज़रिए से इसके डीएनए को क्या किया बेटा, कट किया। उसके बाद फिर हमने कोई फॉरेन जीन या हमारी जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको ऐड किया, उसी वही पूरा मैकेनिज्म है। तो उसमें क्या लिखा बेटा, डीएनए कंटेनिंग जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ इंसर्शन ऑफ जीन इनटू प्लाज्मिड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। अच्छा उसके बाद क्या किया, जब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, तो इसका नाम बन गया रिकॉम्बिनेंट टाई प्लाज्मिड। अब ये जो जिसको हम आर टाई प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट टाई प्लाज्मिड है, जब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जब अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया सेल्स में, इंट्रोडक्शन इनटू प्लांट सेल्स इन कल्चर। अब जब इसको प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस किया गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी डीएनए कैरिंग न्यू जीन विद इन प्लांट क्रोमोसोम। अब जब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट टाइप प्लाज्मिक डीएनए को हमने जब प्लांट सेल में इंसर्ट किया, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा बेटा, रीजेनरेशन ऑफ प्लांट। रीजेनरेशन ऑफ प्लांट यानी कि अब ये प्लांट जो है वो क्या हो रहा है बेटा, रीजेनरेट हो रहा है, सही है। अब जब ये प्लांट जेनरेट करेगा, अब ये जब प्लांट बनेगा तो क्या लिखा बेटा, प्लांट विथ न्यू ट्रेट। क्या मतलब इसका, अब ये जब प्लांट में हमने देखा कि अब ये जब प्लांट ग्रो कर रहा है, एक प्लांट सेल से लेकर एक प्लांट सेल से लेकर मल्टीपल सेल से लेकर, जब ये पूरा प्लांट बन गया, जब ये पूरा प्लांट तैयार हो गया, तो उसमें एक नया ट्रेट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेट, ट्रेट मीन्स अ प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। अब वो वही करेक्टरिस्टिक होगा जैसा आपने चाहा था जीन ऑफ इंटरेस्ट में डाल के, कि यार ये मेरी ख्वाहिश है ये ऐसा हो जाए। तो ट्रस्ट भी आप, ये मतलब कोई फेक अब ऐसा प्रोसीजर नहीं है, ये काम बहुत चल रहा है दुनिया में तेज़ी से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका इतना इसका भी नहीं है, काम इस पर थोड़ा कम चल रहा है अगर मैं बाकी कंट्रीज़ पे देखूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं चल रहा। और आई एम टेलिंग यू अगेन गाइस कि अगर आप लोगों का पर्पस सही है तो ये फिर बहुत अच्छा प्रोसीजर है।
वरना मतलब अगर ये गलत हाथों में लग गए, ऐसे सब प्रोसीजर्स क्लोनिंग हो गया या बायो टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिव असरात भी आते हैं। जिस तरह हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करी बेटा, उसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्या लिखा बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर एनिमल्स मोस्ट कॉमनली माइस दैट हैव हैड अ, मतलब ज़्यादातर इसमें माइस है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, इसमें बहुत काम होता है, दैट हैव हैड अ फॉरिन जीन डेलिबरेटली इंसर्टेड इन टू दियर जीनोम। सच एनिमल्स आर मोस्ट कॉमनली क्रिएटेड बाय द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए इन टू द प्रो न्यूक्लियाई ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग विच इज सब्सिक्वेंटली इम्प्लांटेड इन टू द ओविडक्ट ऑफ अ सीडो प्रेगनेंट सरोगेट मदर। देखो ये आई नो थोड़े से कुछ मुश्किल वर्डिंग्स हैं, लेकिन यही है एमकेट की खास बात है। इसमें आपको मुश्किल वर्डिंग से भी करना होता है ताकि एक आपका लेवल एक अच्छा हो जाता है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट की बात करूँ, इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम कर लूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो जाहिर सी बात है, जिस तरह प्लांट्स होते हैं इसी तरह एनिमल्स भी ट्रांसजेनिक होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनमें फॉरेन जीन इंसर्ट हुई हुई थी डेलिबरेटली, यानी कि ये आप करवाते हो। और ये अगर मैं माइस की बात करूँ, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जेनेटिकली इंजीनियरिंग का। सच एनिमल्स आर मोस्ट कॉमनली क्रिएटेड, ये एनिमल्स किस तरह बनते हैं बेटा? बाय माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए इन टू द प्रो न्यूक्लियाई। अगर मैं बात करूँ प्रो न्यूक्लियाई, देखो याद रखना बेटा प्रो न्यूक्लियस या प्रो न्यूक्लियाई कौन सा न्यूक्लियाई होता है? प्रो न्यूक्लियाई ये वो न्यूक्लियाई होता है कि जब स्पर्म एग के अंदर जाता है, तो जब अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है ताकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल बने, मतलब मिक्स हो, उसके बाद फिर एक रिजल्टिंग जायगोट में दोनों के करेक्टरिस्टिक्स आए। तो ये जस्ट बिफोर के कोई भी सेक्सुअल, यानी कि अगर मैं स्पर्म की बात करूँ, जब स्पर्म फीमेल के एग के अंदर जब वो इंसर्ट होता है, पेनिट्रेट होता है, पेनिट्रेट करता है, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करने से पहले तक वो कहलाते हैं प्रो न्यूक्लिया। उस सेक्सुअल या उस स्पर्म का जो न्यूक्लिया कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रो न्यूक्लिया, जस्ट बिफोर शेयरिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल विद द अदर जेंडर्स सेक्सुअल। ठीक है जी, तो क्या लिखा बेटा इसमें? सच एनिमल्स आर मोस्ट कॉमनली क्रिएटेड बाय द माइक्रो इंजेक्शन। और माइक्रो इंजेक्शन का मैंने आपको जिक्र किया था SCID में। माइक्रो इंजेक्शन ये वो इंजेक्शन होता है बेटा जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है, बहुत लंबी और बहुत शार्प, बहुत लंबी नीडल होती है। ठीक है जी, और ये आप यकीन करो कि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी लेयर्स ऑफ पेनिट्रेट करने के एक काबिल होती है। तो क्या लिखा है बेटा? ये जो एनिमल्स हैं ये क्रिएट होते हैं माइक्रो इंजेक्शन से ऑफ डीएनए इनटू द प्रो न्यूक्लियर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग व्हिच इज सब्सिक्वेंटली इम्प्लांटेड इनटू द ओविडक्ट ऑफ अ सीडो प्रेग्नेंट सरोगेट मदर। सीडो प्रेगनेंट का मतलब या सीडो प्रेगनेंसी का मतलब वो प्रेगनेंसी होती है बेटा जिसमें फीमेल इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन होती है, जिसमें वो एबल नहीं होती कि वो एक बेबी कंसीव करे। सरोगेट मदर बेटा, सरोगेट मदर वो मदर होती है जो कि अपनी अपने आप को सेक्रीफाइस करती है, या आप कह सकते हो कि सरोगेट मदर वो मदर होती है जो कि अपनी बॉडी के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर दूसरे कपल के लिए, उनके लिए बच्चा कंसीव करती है। ठीक है जी, तो ये सरोगेट मदर कहलाती है। अब वो फीमेल अगर इनफर्टाइल कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल कि उसके एग तो उसमें ओव्यूलेशन तो हो रही है, उसमें एग तो बन रहा है, लेकिन समहाउ कुछ एबनॉर्मेलिटी के बिना पे उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, उसमें ओव्यूलेशन तो हो रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल उस कपल में जो जो के जिनको काफ़ी टाइम से औलाद नहीं है, तो उस कपल से सरोगेट मदर क्या करती है, या ये जो पूरा जो प्रोसेस है कि उस कपल में जो फीमेल होती है उसका सेक्स सेल लिया, उसका एग लिया और फिर अपनी बॉडी में इम्प्लांट किया, और जब पूरा बेबी डेवलप हो गया तब जाके अपने उसके जो रिलेशन पेरेंट्स हैं उनको हवाले कर दिए। तो ये कहलाती है सरोगेसी या सरोगेट मदर। बहुत आसान लफ्ज़ में अगर मैं इसको नेक्स्ट डेफिनेशन में देखूँ तो क्या लिखा बेटा? ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी डिफाइंड एज एनिमल्स इन विच न्यू और ऑल्टर्ड जीन्स, जिसमें न्यू या ऐसी जीन्स जो बिल्कुल नहीं हुआ है, या ऐसी जीन्स जिनमें ऑल्ट्रेशन है, ये बहुत कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। इन विच न्यू और ऑल्टर्ड जीन्स हैव बीन एक्सपेरिमेंटली इंसर्टेड इन टू दियर जीनोम बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जिनमें न्यू या ऑल्टर जीन्स इंसर्ट होती है फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस और बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। एग्जांपल्स इसकी क्या है बेटा? अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ इसकी,
अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूँ तो बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं फिशेस का, और क्या इसमें फिशेस है, चिकन है, काउज है, रैबिट्स है, शीप्स है, ट्राउट है, एक्सेट्रा। बुक में बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक काफ हैज़ बीन प्रोड्यूस, ठीक है जी, एक बार जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक ट्रांसजेनिक काफ की भी प्रोडक्शन हो चुकी है और चल रही है अभी करंटली भी। एंड इसमें क्या लिखा बेटा, जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन लैक्टोफेरिन इन काउ मिल्क, एक ट्रांसजेनिक काफ साइंटिस्ट ने बनाई बेटा, जिसमें वो जीन है जो कि एक ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन कहलाती है। ये एक लैक्टोफेरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो जो कि आयरन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बॉडी में, और जिसके पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो ह्यूमन लैक्टोफेरिन जो ये जो जीन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान में ये पैदाइशी कॉन्जेनेटल ये इसमें डिफेक्ट है इस जीन में, या ये जीन है ही नहीं, या ये जीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो अब इस जीन को जब ये जीन हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग से काफ़ी हद तक बनी हुई है, तो हम लोग एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद उस पेशेंट में ये जीन डाल सकते हैं, ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है नॉर्मल इंसान में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो ये क्या करता है बेटा, ये आयरन ट्रांसपोर्टेशन और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हमने काफ के ज़रिए से उसके मिल्क में प्रोड्यूस करवा लिया। तो मतलब अब जो ये इस काफ को जो मिल्क भी पिएगा, तो उसमें भी ये जो जो ट्रीटमेंट है ये उसके ज़रिए से भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ ह्यूमन जीन, ठीक है जी, आसान लफ्ज़ों में इसको पिक्चर के ज़रिए से भी समझ लेते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे इमेज है जिसमें लिखा हुआ ह्यूमन जीन, राइट साइड पे जो पिक्चर इस पर लिखा हुआ एग डोनर, उस यानी कि हमने एग लिया, डोनर मतलब इसने अपना एग डोनेट किया, ठीक है जी। उस एग में हमने माइक्रो इंजेक्शन के ज़रिए से ह्यूमन जीन मिक्स करी, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, डेवलपमेंट विद इन अ होस्ट कोड। अभी जो नीचे पिक्चर है इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट विद इन अ होस्ट गोस्ट, सॉरी गोस्ट कह रहा हूँ, गोट, ठीक है जी। अब ये जो इस एग की जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो होस्ट चाहिए था वो गोट है, तो इसके इस एग की डेवलपमेंट जिसमें एक ह्यूमन जीन इंसर्ट या मिक्स हुई है या जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसर्ट करवा दी गई है, तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो गोट में हो रही है जो कि एज अ होस्ट काम कर रही है। अब क्या किया, अब हमारे पास बन गई ट्रांसजेनिक गोट, मिल्क फ्रॉम ट्रांसजेनिक गोट। अब इस ट्रांसजेनिक गोट से क्या फ़ायदा हुआ बेटा, अब इस ट्रांसजेनिक गोट से हमें ये फ़ायदा हासिल हुआ कि वो ह्यूमन की जीन जो कि लैक्टोफेरिन का प्रोटीन यानी कि जो लैक्टोफेरिन प्रोटीन बनाती है उसकी तादाद हमें मिल्क के ज़रिए से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हासिल हो गई है, और इसके ज़रिए से हम लोग काफ़ी चीज़ें ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है मिल्क की क्वान्टिटी भी ज़्यादा ज़्यादा निकलती है, तो ट्रांसजेनिक गोट ये वो गोट है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई हुई है, तो ये भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा इसमें। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो एक बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये थ्योरी क्लासेस में भी इसमें से सवाल आता है बेटा। इस टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या नाम है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को दिखाने से पहले, मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सॉरी बताने से पहले मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, मैं पॉज कर कर के भी आपको इसमें बताता रहूँगा। तो एक अच्छी वीडियो एक मुझे मिली थी तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। आई होप अब आपको इंशाल्लाह आपको सबको क्लियरली नज़र आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। अच्छा Every person has two unique fingerprints, the pattern on their fingertips and the pattern of their DNA. Fingerprints can be altered by surgery, but a person's DNA fingerprints is the same in each of their cells. It cannot be altered by any known treatment. Let's start the complete guide of DNA fingerprinting technique. DNA fingerprinting is a technique to identify people using a samples of their DNA. The DNA fingerprint consists of the pattern of DNA fragment obtained in restriction analysis of certain highly variable repeated DNA fragments within the genome whose number and arrangement are unique for each person. The technique of DNA fingerprinting was used for the first time by Dr. Alex Avery in 1984.
important for the DNA fingerprinting are short nucleotide repeats, which vary in number from person to person and are identical. They are called variable number of tandem repeats or VNTRs. Now let's see the steps of DNA fingerprinting. अच्छा बेटा, तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या प्रोसीजर है। बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा एक मॉडर्न वर्ल्ड का एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म की एक टेक्निक है जिससे पेरेंटेज के इशू, आपके बुक्स में भी लिखा है, जिससे जो आप कह सकते हो कि जो जो क्या बोलते हैं इसको, एक तो पेरेंटेज इशू हो गया, एक हो गया आपका क्राइम इशूज़, ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, इससे आपको 99.9% ऑथेंटिसिटी एक इसमें ऐसी आप कह सकते हो कि आप यू कैन डिपेंड ऑन दिस टेक्निक 99.9%। ठीक है जी, क्योंकि अभी और भी एडवांसमेंट्स हो रही है, तो इसलिए मैं 99.9% कह रहा हूँ इस टेक्निक के ज़रिए से पेरेंटेज इश्यूज और क्राइम जो इश्यूज हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में अच्छा खासा पता चल जाता है। तो क्योंकि हर इंसान का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने जैसे कुछ इसमें गेम्स भी बने फेसबुक पे, और आप लोगों ने इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन में एक सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों ने इस सब्जेक्ट का नाम सुना होगा फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक मेडिसिन। इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि हाँ यार, ये इंसान जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, उसमें अगर पेरेंटेज का इशू आता है तो इवन उसके एक्चुअल फादर के बारे में भी पता चल जाता है। ये स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत एक कॉमन टेक्निक और एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है उनकी। ठीक है जी, इस पर जो इसके जो स्टेप्स हैं, इसको बेटा बहुत गौर से देखना, अच्छी वीडियो है, अगर स्टेप वाइज देख लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वीडियो प्ले करने से पहले, उसको रिज्यूम करने से पहले, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम डीएनए सैंपल लेते हैं। ठीक है जी, अब वो बता देंगे अभी आपको कि कहाँ कहाँ से लेते हैं, वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है, आपके बुक्स में भी है। तो हमने एक डीएनए सैंपल लिया, उस डीएनए के सैंपल को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए से, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इसी चैप्टर में, उससे हम लोग उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक जेल में रखते हैं, जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जिसमें उस जेल में हीट भी मिलती है उसको, ताकि वो उस तरह हीट मिलती है ताकि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। फिर उसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरा नायलॉन शीट में, फिर एक्सरे फिल्म में, फिर रेडियो एक्टिव प्रोब्स में उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं, और उसको हम लोग फिर मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चाइल्ड का डीएनए फिंगरप्रिंट लिया, फिर मैंने मदर का लिया, फिर मैंने पोटेंशियल लिया, जो या आप कह सकते हो कि एलेज्ड फादर है उसका, फिर मैंने यानी कि दो फादर्स, फॉर एग्जांपल यानी कि दो मेल्स हैं वो फादर होने का क्लेम करें, तो हमने उनका डीएनए सैंपल लिया। तो जब सब मैच हो जाते हैं तो उस तरह फिर हमें पेरेंटेज का इशू भी काफ़ी हद तक यानी कि ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, अच्छी खासी एक्यूरेसी है इस टेक्निक में। अब ज़रा इसके स्टेप्स देखिएगा। The first step, a sample of DNA is taken from blood, hair follicles, saliva, semen, or any body tissue cells. ठीक है बेटा, इसमें आप लोगों ने देखा कि ब्लड सैंपल इन्होंने कहाँ कहाँ से लिए। ठीक है जी, सीमेन है, सलाइवा है, बाल है, ब्लड है। In many situations, there is only a small amount of DNA available for DNA fingerprinting. Because of this, polymerase chain reaction or PCR technique is applied. After the DNA is isolated and more copy of देखो बेटा क्या लिखा है इसमें, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा है बेटा, ये आपके पास ये दो चीज़ें, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेगमेंट्स ऑफ द DNA फ्रॉम पर्सन वन, उसके बाद फिर लिखा फ्रेगमेंट्स ऑफ द DNA फ्रॉम पर्सन टू। इसमें यह होता है बेटा कि एक लाइन लिखी हुई सबसे टॉप पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन पिक अ क्रिमिनल आउट ऑफ अ लाइनअप बिटवीन इंडिविजुअल ह्यूमंस DNA सीक्वेंसेस डिफर इन अबाउट 1 base pair per 1000। इसमें क्या लिखा बेटा कि यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन का डीएनए फ्रेगमेंट यानी कि फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए फ्रॉम पर्सन वन एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए फ्रॉम पर्सन टू, दो पर्सनस हैं, इनके डीएनए फ्रेगमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए से, अगर कई
एक नहीं अगर कई भी आप सस्पेक्टेड अगर आप ले आओ क्रिमिनल्स, उसमें से भी उसको आइडेंटिफाई करके बताने की ये हैसियत या एक टेक्निक या ये एक एबिलिटी रखता है ये वाला प्रोसीजर। ठीक है जी, यहाँ लिखा है बेटा कि डीएनए इज ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये डीएनए को क्या कर देगा बेटा, ये डीएनए को मजीद और किस में कर देगा, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। Different size fragments which are known as restriction fragment length polymorphism or RFLPS. अब ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में जो डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए से मजीद टूट चुका है, अब इसको हम लोग कहते हैं आरएफएलपीसी। ये भी बुक में जिक्र है, जिसका पूरा नाम है बेटा, जिसका पूरा नाम है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रिफ्लिप्स भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हिच हैज़ बीन ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच हैज़ बीन फर्दर ब्रोकन डाउन। DNA fragments are then shorted accordingly to size using gel electrophoresis process. During this process, DNA fragments इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक आपको पावर सप्लाई गिवन है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने उस जेल को जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं विच हैज़ बीन ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, हमने उस जेल को इस हमने पावर सप्लाई पे रखा, हमने इस एक मशीन में रखा। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया बेटा, उसके बाद आप देखोगे डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो ओवरऑल बेटा आप लोगों ने जिन्होंने स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हुआ है, और चैप्टर नंबर 6 में मैंने बताया था ओवरऑल जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है आप खुद नोट करो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो अब आप ज़रा उसको नोट करना। और जो जो ऐसे फ्रेगमेंट्स डीएनए के जो लाइटर हैं जो स्मॉलर हैं वो ज़्यादा जल्दी माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एज़ कम्पेयर टू हैवियर या bigger segments. Fragments are injected into wells in the agarose cell and an electric current is applied along the cell. DNA is negatively charged, so it is attracted to the positive end of the cell. ये साहब भी बोले DNA is negative charge, so it is attracted towards positive charge. Shorter DNA fragments move faster than the larger ones. ये चीज़ बारे बता देता हूँ, shorter DNA fragments move faster than the larger ones. Step 3. Now the DNA fragments are transferred to a nitrocellulose paper by placing the sheet on the gel and soaking them overnight. Now a radioactive material is added which combined with the DNA fragment. अब एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐड किया इस नाइट्रोसेलुलोस पेपर में विच कंटेन्स डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी, अब ये रेडियो एक्टिव प्रोब या जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या कर देगा, आपको पता है बेटा चैप्टर नंबर 6 में मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें बताया था, जो बच्चे अभी जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, नो टेंशन बेटा। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसलिए डाले जाते हैं ये इन सब टेक्निक्स पे, ताकि हमें एक एक पिक्चर वाजे हो जाए, हमें एक क्लियर पिक्चर वाजे हो जाए जब हम इसको ऑब्जर्वेशन या जब हम उसको ऑब्जर्व करें। Lastly, the nitrocellulose paper is placed against a piece of X-ray film. The X-ray film can record the pattern of radioactivity on the paper. क्या लिखा बेटा, इट इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। इसको थोड़ा सा अगर मैं पीछे करूं, क्या लिखा है बेटा, इट इज़ द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये इसकी खास बात है बेटा, साइंटिस्ट का इसके नाम याद कर लेना, जेफरी साहब इसके साइंटिस्ट थे, तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब अगर इसको मैं यहाँ से पढ़ूँ बेटा, जो हम लोग लेक्चर अपना पढ़ रहे थे, ठीक है जी, तो अगर मैं इसको अब यहाँ से आप लोगों को पढ़ाऊँ तो क्या लिखा है बेटा हमारे पास, हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है, अच्छा टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक और नाम है बेटा, जिसको हम लोग डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जीनोटाइपिंग और आइडेंटिटी टेस्टिंग भी कहते हैं।
ये जेनेटिक्स में एक ऐसा मेथड है, मेथड ऑफ आइसोलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल एलिमेंट्स विद इन द बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जाहिर सी बात है डीएनए का जो पूरा सीक्वेंस है वो बेस पेयर पे काम करता है। बेस पेयर से मुराद क्या है कि एडिनिन के सामने आप लोगों को पता है क्या लगेगा, गुआनिन के सामने क्या लगेगा, ये मैं स्पेशली जो चैप्टर नंबर 6 जिन्होंने पढ़ा उनसे पूछ रहा हूँ। तो चारगफ रूल के तहत जो एडिनिन है उसके साथ हमेशा क्या कंबाइन होता है ये आप लोगों को बखूबी पता है।